सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इज माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर पिछले साल रियलमी ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था इंडिया में, और यहां पर बात करता हूं इस स्मार्टफोन की। तो ये जो स्मार्टफोन था वो था रियलमी के यू सीरीज का, और ये स्मार्टफोन था यहां पर रियलमी का U1। अब दोस्तों, यहां पर इस एक साल के गैप में रियलमी ने यू सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन के यहां पर लॉन्च नहीं किया था। लेकिन यहां पर बता दूं, अगर आप यहां पर रियलमी के U2 का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज यहां पर निकल कर आ चुकी है, क्योंकि फाइनली यहां पर Realme का जो U2 है वो ऑफिशियली यहां पर कंफर्म हो चुका है। और दोस्तों, यहां पर जो Realme का U2 है इसको BIS सर्टिफिकेशन यहां पर मिल चुका है। अब यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में फरवरी तक हमें यहां पर देखने के लिए, फरवरी के फर्स्ट वीक तक देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि बताया जा रहा है। और यहां पर इस स्मार्टफोन के कुछ जो फीचर्स हैं वो निकल करके आ चुके हैं। और यहां पर एक चीज बता दूं कि बजट रेंज में ये स्मार्टफोन काफी अच्छे स्मार्टफोन यहां पर निकल करके आने वाला है। हालांकि जो Realme की यू सीरीज होती है वो एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन की सीरीज होती है, तो इसी चीज को देखते हुए यहां पर जो Realme का U2 है वो भी एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा यहां पर। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में, कैसा ये स्मार्टफोन यहां पर निकल कर के आने वाला है। तो यहां पर दोस्तों, इस स्मार्टफोन की जो बॉडी होगी वो एक प्लास्टिक की बॉडी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। ग्लास की बॉडी नहीं है, ग्लास बैक नहीं है। फ्रंट साइड की बात करता हूं तो वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा इस स्मार्टफोन में, जैसा कि रियलमी के U1 में भी देखने के लिए मिला था। और यहां पर आपको बेजल्स बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे, वाटर ड्रॉप नॉच है, मैंने आपको बताया यहां पर। इसके बाद यहां पर जो डिस्प्ले मिलेगी वो एक IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है। अब यहां पर बजट रेंज में हम यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक AMOLED डिस्प्ले हम यहां पर मिले। हालांकि यहां पर एक आपको एक HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। उसके साथ बात करता हूं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो एक MediaTek का प्रोसेसर शायद हो सकता है, या फिर आपको यहां पर एक Qualcomm का भी प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है Qualcomm Snapdragon 665 मिले, 675 मिले। प्रोसेसर के बारे में अपडेट नहीं है तो मैं यहां पर कवर नहीं कर रहा हूं प्रोसेसर को। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी मैं जरूर आपको यहां पर इन्फॉर्म करूंगा। 3GB रैम और 4GB रैम दो वेरिएंट इस स्मार्टफोन के देखने के लिए मिल सकते हैं इंडिया के लिए। इसके साथ बात करता हूं अगर मैं यहां पर इस स्मार्टफोन की कैमरे क्वालिटी की, तो पीछे की साइड क्वाड कैमरा देखने के लिए मिलेगा। यहां पर जो मेन सेंसर दिया जाएगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का। अब ये स्मार्टफोन एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, बेसिकली यहां पर कैमरे को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा इस स्मार्टफोन में। फ्रंट कैमरे की बात करता हूं तो हो सकता है आपको यहां पर 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा फ्रंट की साइड में देखने के लिए मिल जाए। उसके साथ बैटरी कैपेसिटी की बात करता हूं तो 5000 mAh की बैटरी हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहां पर आपको पीछे की साइड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहां पर इस स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये थे पूरे फीचर्स जो कि यहां पर आपको Realme U1 में U2 में देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पर इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और यहां पर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो स्मार्टफोन होगा वो हमें यहां पर फरवरी के फर्स्ट वीक तक यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में, यानी इंडिया में यहां पर लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसके साथ बात करता हूं अगर यहां पर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो अंडर 10,000 यानी लगभग यहां पर 8,000 से 9,000 रुपए के बीच में यहां पर इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो इंडिया के लिए बताई जा रही है। अब यहां पर देखते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में क्या कुछ और डिटेल निकल करके आती है और एक्चुअल में क्या कुछ प्राइसिंग यहां पर इस स्मार्टफोन की निकल करके आती है। अब यहां पर आप इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं है आप मुझे नीचे कमेंट करके यहां पर बता सकते हैं। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजिएगा। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।